हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्किट प्लस। इधर एक नया वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ, एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बैंक निफ्टी के ऊपर। तो मैं सोचा कि सिर्फ निफ्टी का वीडियो बनाने से ही आप लोग कौन सी स्टॉक प्राइस किस प्राइस में लेना चाहिए ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, जिस वजह से ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, शायद इस टाइप का वीडियो बहुत ही कम चैनल पर आपको मिलेंगे। तो कल से हमारा नया चैनल पब्लिश हो रहा है, नए चैनल के अंदर ये निफ्टी का वीडियो आपको पोस्ट होंगे एंड लर्निंग पर्पस जो भी वीडियो है ये हमारा इस पुराना चैनल पे सर्किट ट्रेडर्स में पोस्ट होगा। तो देखिए, कल अगर मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा हमें नहीं पता। ओके, सपोज कि गैप डाउन या गैप अप जो भी हुआ, अब मैं यहाँ पे दोनों पहलू के ऊपर आपको बात करूंगा, ठीक है, दोनों पहलू के ऊपर बात करूंगा। मान लेते हैं कल ग्लोबल मार्केट का नेगेटिव के चलते हुए मार्केट गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन हुआ तो हम यहाँ पे क्या करना है, आपको एक कॉल और एक पुट आपको रेडी रखना है। मैं यहाँ पे कौन सी कॉल कौन सी पुट रेडी रखा, 37,700, 37,700 एंड 38,000 इन दिस बोथ कॉल इन रेडी ऑफ माय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ओके, ये दोनों मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे रेडी है। अब मैं इसे बाइंग कहाँ करूंगा, अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो इसका बाइंग का बेटर जगह जो होगा वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, आप इस चीज को ध्यान रखना। ON 80 टू 200 ये जो लेवल होगा, ये लेवल होगा इस कॉल के लिए 37,700 कॉल के लिए बेटर बाइंग पोजीशन। अब बोलोगे सर स्टॉप लॉस क्या होगा, ऐसे जगह पे आपको स्टॉप लॉस रखना है ON 50, ठीक है, ON 50 स्टॉप लॉस रखेंगे। देखिए एक दिन पहले, वो भी एक्सपायरी दिन से पहले मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूं, राइट। अगर मार्केट गैप थोड़ा सा डाउन हुआ तो इसका कॉल का प्राइस आपको इस लेवल तक आता हुआ दिखाई देगा, जो अभी चल रहा है कहां पे 300 पे, ये सुबह के सेशन पे 200 पे दिखाई देगा। अब यहां पे थोड़ी सी कंफर्मेशन जरूर रखिएगा कि किस बेस पे कैसे हमें बाइंग करना है। तो आपको करना है क्या, 5 मिनट चार्ट। ओके, 5 मिनट चार्ट करके, 5 मिनट की जगह पे आप 1 मिनट भी कर सकते हो, 5 मिनट की जगह पे आप बेटर छोटा स्टॉप लॉस के लिए आप 1 मिनट भी कर सकते हो। आप 1 मिनट में क्या देखना है, अगर ये डाउन हो जाता है, ठीक है, डाउन होके यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे क्या इस तरीके से एक रेंज बना रहा है, अगर ये रेंज बना रहा है तो इस रेंज को मार्किंग कर लेना। ओके, इस रेंज को मार्किंग कर लेना। मार्किंग करने के बाद जो ये रेंज का हाई रहेगा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ। ओके, अब ये लेवल आ चुका है, 1 मिनट के चार्ट में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब 1 मिनट में चार्ट में आपको इस तरह का रेंज ये बना रहा होगा सुबह गैप डाउन होने के बाद, हम मान के चलते हैं कि सुबह थोड़ा सा गैप डाउन हो रहा है, राइट। तो ये जो रेंज बना रहा है इसका जो हाई प्लॉटिंग कर लेना है आपने, हाई प्लॉटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे SLM ऑर्डर डाल के ये जो हाई रहेगा, मान लेते हैं ये हाई 215 है तो 217 के ऊपर, 217 के ऊपर बाइंग ऑर्डर लगा देना है। आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपको 257, 267, 287 यानी कि 10-20% रिटर्न आपको देखते ही देखते मिल जाएगा। आपको अगर 20% रिटर्न भी लेना है तो स्टॉप लॉस भी 20% के हिसाब से रखना है। तो यहाँ पे हमें जो सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, लास्टली जो सपोर्ट इसका बनता हुआ दिख रहा है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि इस लेवल से नीचे चला जाए तो आपको इस ऑप्शन को बिल्कुल ही नहीं रखना है। लास्ट जो ऑप्शन आप लास्ट जो चाह रहा है, अगर ON 40 लेवल से नीचे, अगर ON 40 लेवल से नीचे चला जाता है तो इस ऑप्शन पे बिल्कुल नहीं ट्रेड करना है, ना ही आपको होल्ड करना है। आपको ON 40 से ऊपर ऊपर जो भी प्राइस में मिल जाए, ON 80 पे, ON 50 पे, आप सिर्फ देखना है अगर डाउन हो रहा है तो कितना डाउन हो रहा है, ठीक है। डाउन होने के बाद जैसे ही ऑन मिनट इस एक रेंज बना देगा, इस रेंज के ऊपर आपने बाइंग कर लेना है, समझ में आया। ये हो गया एक डाउन का सिनेरियो अगर मार्केट सुबह के सेशन पे डाउन रहता है। देखो अगर ये स्ट्रेटजी आप लेंगे तो 15 से 20 मिनट के अंदर आपको प्रॉफिट लेके चले जाना है, एक्सपायरी डेट में ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। अब मान लेते हैं कि मार्केट का थोड़ा सा गैप अप होता है तो हमें क्या करना है, तो देखिए गैप अप होगा तो प्रीवियस हाई हमें कहां दिखाई दे रहा है, ये जगह है प्रीवियस हाई, यानी कि इसका कौन सी जगह है 550। अगर थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन हो जाता है 150-200 पॉइंट तो ये चला जाएगा 550 के पास, लेकिन इस जगह पे, इस जगह से ये डाउन आना चाहिए कितना, लगभग 100 पॉइंट इसे डाउन आना चाहिए। तो आपके पास ये चारा तो है ही नहीं कि आप इसे सेल करो, ओके, आप इसे सेल करने का चारा तो है नहीं, तो ऐसी जगह पे आप क्या करेंगे, ऐसी जगह पे तुरंत आपको जाना है पुट साइड में, ठीक है। अगर ये इतना अप होगा तो
तो आपको ये पुट डाउन में मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसके साथ निफ्टी का भी एक चार्ट समझाऊंगा। तो ये पुट आपको मिलना चाहिए कहां पे, मैं आपको ये पुट का जो लोअर लेवल है ये मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो कौन सी लोअर लेवल इसमें मिल सकता है। तो इसका जो लोअर लेवल आपको मिल सकता है फिलहाल के लिए 176, राइट 176 एक जो लेवल है ये आपको एक डाउन साइड दिख रहा है। अगर इससे भी नीचे चला जाता है तो ये बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा और कॉल साइड कंटिन्यू अप साइड में चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इससे भी नीचे ब्रेक होकर चला जाता है तो कॉल साइड कंटिन्यू अप साइड में चला जाएगा। ओके, तो आपको ये चीज को ध्यान देना है कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और जस्ट यहाँ पे अगर 1 मिनट कैंडल ऐसे बना रहा होगा तो यहाँ पे आपको बाइंग एंट्री उस लेवल के ऊपर बाइंग एंट्री बना देना है। ठीक है दोस्त, सुबह का आधा घंटा ट्रेडिंग करना है, इसके बाद ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आपके पास पिन पॉइंट एनालिसिस नहीं है, अगर आप हमारे स्टूडेंट है आपके पास पिन पॉइंट एनालिसिस है तो आप धीरे धीरे जो मैं सिखाया हूं उसको देखते हुए आपको कंटिन्यू 2-4 ट्रेड आप बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं बैंक निफ्टी का चार्ट पे। अब देखो बैंक निफ्टी का चार्ट पे क्या हाई है क्या लो है, तो इस हाई के ऊपर का सस्टेनेबल हो जाएगा, इस हाई के ऊपर का सस्टेनेबल हो जाएगा तो यहाँ से कंटिन्यू पॉजिटिव साइड में जा सकता है और कॉल साइड कंटिन्यू इंक्रीज हो सकता है। और बॉटम लेवल, ये बॉटम लेवल यानी कि कल के लिए बॉटम लेवल क्या है, आपको बॉटम लेवल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, और बॉटम लेवल जो कल के लिए मैं खींचूंगा 37,350 एंड टॉप लेवल होगा 38,000, मतलब 500 पॉइंट के बीच में कल बैंक निफ्टी का गेम आपको दिखाई देने को मिल सकता है। 500 पॉइंट के बीच में अगर 38,100 से ऊपर सस्टेनेबल हो जाता है तब जाके यहाँ से फिर से 200 पॉइंट या 150 पॉइंट का पॉजिटिवनेस आ सकता है, लेकिन यहाँ पे खतरा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ओके, जिन लोग सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेडर्स है आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कॉल साइड कब बाय करना चाहिए, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने का कोशिश किया। मैं यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट ड्रॉ कर दिया हूँ। अब देखो 1 मिनट के चार्ट के ऊपर अपने क्लिक करने के बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पे बॉटम कहाँ पे बन रहा है। तो देखो ये बॉटम बन रहा है, ठीक है, ये बॉटम बन रहा है और ये एक रेंज बन रहा है। यहाँ तो इस रेंज को ब्रेक होगा तो बहुत तेजी से ये यहाँ तक लेवल दिखाएगा 400 तक, यानी कि 300 रुपये आपके आसपास। अगर आपको ये चीज 300 रुपए के ऊपर आप बाइंग करो 330-340 के ऊपर तो यहाँ से 100 पॉइंट का मोमेंटम दिखा सकता है। सबसे पहले आपको दिखाएगा 40 पॉइंट, यानी कि जैसे मैं 10% की बात किया हूँ, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ऐसे वीडियो सुनने का लिए बहुत लोगों के पास टाइम नहीं रहता है। ओके, बहुत लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन ये वीडियो आई होप कि जिन लोग समझदार लोग हैं उनको काफी काम आएंगे और मैं उस समझदार लोगों के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो ये लेवल आपने समझ गए होंगे कि ये जो कॉल है 37,700 इसका जो रेंज रहेगा कल के लिए, इस रेंज के अंदर आपको प्रॉफिट निकाल के चले जाना है। ओके, जब इस रेंज को धीरे धीरे और ब्रेक करने लग जाएगा तब जाके इसके ऊपर और तेजी आ सकता है। कैसे लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस टाइप का वीडियो हमें चाहिए। ठीक है, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ दोस्तों, मैं मैक्सिमम ट्रेड स्टॉक के ऊपर करता हूँ। ठीक है, स्टॉक के ऑप्शन के ऊपर करता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को अलग अलग चैनल पे अलग अलग एनालिसिस करके कॉल देता रहता हूँ और खुद अगर ऑप्शन बैंक निफ्टी का खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा मैं इन्वेस्ट करने लगा, ज्यादा मैं ट्रेड करने लगा तो मेरा आप लोगों को कॉल सही से नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा एनालिसिस के ऊपर ही मेरा ज्यादातर टाइम चला जाएगा। मैं दिन में 1 या 2 ट्रेड बैंक निफ्टी के ऊपर लेके पूरा दिन का ट्रेडिंग में बंद कर देता हूँ, फिर आप लोगों का एनालिसिस के ऊपर ध्यान देता हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को सही लगा होगा, अगर सही लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, कल से हमारा नया चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।